साथियों नमस्कार। होली का त्यौहार आ रहा और होली के त्यौहार के साथ साथ बड़ी पूरे विश्व के अंदर और खासकर भारत में हिंदुओं के अंदर एक बहुत उल्लास रहता है। बहुत दिन से तैयारी हो रही होती है और हमारे तो कहते हैं ना कई चीज़ें होली और दिवाली पे मनाई जाती हैं, तो वो होली एक ऐसा प्रमुख त्यौहार है जिसमें कि हम सबको मिलना जुलना, फंक्शंस करना, पार्टीज करना और एक दूसरे का स्वागत करना और उन लोगों को भी याद करना जो यूजुअली हमें नहीं मिलते, ये कार्यक्रम प्रथा चली आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ, उस प्रथा के साथ साथ ओवर द ईयर्स हमने देखा कि कुछ इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, इसकी प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से होती हैं। कई लोगों के अंदर विभिन्न प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से हो सकती हैं। तो अगर हम आज हेल्थ के लिए या प्रिवेंटिव हेल्थ की बातें इसके अंदर करें कि होली जो है एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर प्यार से अच्छे माहौल के अंदर मनानी चाहिए। रंग गुलाल सब लोग लगाते हैं, लेकिन आपने देखा कि गुलाल की भी अलग अलग एक सिस्टम बन गए, कोई हर्बल लगा रहा है, कोई सिंथेटिक लगा रहा है और इतने ज़्यादा मेटल्स वाले गुलाल भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। पानी के कलर्स भी हैं और कई लोग उसके अंदर भी आपने देखा कि पानी के कलर्स के अंदर भी हम सबको बहुत ही प्रिकॉशंस की ज़रूरत है क्योंकि उसमें भी हैवी मेटल्स हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले बात करें कि इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, फिर उनकी प्रिकॉशंस की बात करें। सबसे पहला तो सांस के लोगों के अंदर एस्मा या जिनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, उन लोगों को इस होली के बाद, क्योंकि ये हम लोग सब चीज़ों को इनहेल करते रहते हैं, अपने फेफड़ों में लेके जाते हैं, तो इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है कुछ लोगों को, खासकर जो सूखे रंग हैं और सिंथेटिक हैं और उनके पाउडर से कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। दूसरा इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि आई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई लोगों को, केमिकल कलर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आंखों में इरिटेशन भी हो जाएगी, लालपन हो सकता है, पानी आ सकता है और इवन टेम्परेरी जो है ब्लरिंग ऑफ विजन्स भी हो सकती है इस गंदे रंगों के इस्तेमाल करने से। लॉन्ग टर्म यूज़ क्योंकि लॉन्ग टर्म होता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कई गांव के अंदर अगर आपने देखा हो तो महीना महीना होली चलती है, तो कुछ जो इनके अंदर कंपाउंड्स हैं वो कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर कर सकते हैं। खासकर लेड और क्रोमियम की अगर बात करें तो लंबा एक्सपोजर अगर होता है तो वो सांस की दिक्कत के साथ साथ कैंसर की प्रॉब्लम को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात आती है स्किन इरिटेशन और एलर्जीज की। स्किन इरिटेशन हर ओपीडी के अंदर, हर अस्पताल के अंदर होली के अगले कई दिनों तक किसी व्यक्ति को रैश हो जाता है, किसी को अर्टिकेरिया हो जाता है, किसी को ईचिंग होती है, किसी को रेडनेस होती है या बर्निंग सेंसेशन स्किन के अंदर हो जाती है अगर वो जो पदार्थ है, वो जो रंग है वो सिंथेटिक है, तो कई लोगों के अंदर देखा गया। और ओवरऑल अगर आप देखें तो टॉक्सिसिटी है क्योंकि लेड, मर्करी, क्रोमियम, अमोनिया सब रिलीज होते हैं जब ये स्किन के अंदर, कॉन्टैक्ट के अंदर ये सब रंग आते हैं, तो ये जब स्किन के माध्यम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर डेवलपमेंट ऑफ फीटस के ऊपर भी दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये टॉक्सिक पदार्थ है और इसकी वजह से जो डेवलपमेंटल एनोमलीज और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इन महिलाओं के अंदर हो सकती है। अब करना क्या, हमें होली भी खेलनी है, अपने आप को सेव भी करना है, तो होली के दिन कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो कि बाहर निकलें लेकिन अपने परिचित लोगों के बीच में होली खेलें, अपने दोस्तों, अपने बराबरी के लोगों के अंदर होली खेलें और जब बाहर से निकलें तो कोशिश करें मास्क पहन लें। लोग हंसेंगे आप पे आज की तारीख में अगर डालेंगे, लेकिन डेफिनेटली इसके फायदे ये हैं कि जो 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 पार्टिकल्स उड़ते हैं रंगों की वजह से वो
हमको सांस की दिक्कतों से सेव करेंगे। होलिका दहन क्योंकि एक दिन पहले होती है, तो उसमें जिन लोगों को सांस की दिक्कतें हैं, प्रिकॉशंस हैं या एलर्जीज हैं, वो थोड़ा सा दूर रहकर ही उस कार्यक्रम को करें, संपन्न करें। और क्योंकि मौजूदा केमिकल्स एलर्जीज बढ़ा सकती हैं, इसलिए हम मानते हैं कि कोई ना कोई स्किन पे, खासकर फेस पे, कानों पे किसी प्रकार का अच्छा सा तेल लगाकर बाहर निकलेंगे तो जो इनके पार्टिकल्स उड़ते हैं सूखे रंगों को, उससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। और जिन लोगों को वैसे ही सांस की बीमारी है, वो अलग से प्रिकॉशंस लेकर ही उसके अंदर चलें। और इसके अंदर एक खास बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई जगह पर हुल्लड़बाजी बहुत होती है, कई लोग धूम्रपान, नशा और जो ठंडाई के नाम पर कोई जो विषैले पदार्थ जो हैं वो लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उनको इस चीज़ से परहेज करना चाहिए। और वायु में मौजूद होने की वजह से आपको गर्मी का मौसम भी शुरू हो रहा है तो प्यास ज़्यादा लग सकती है, तो अच्छा स्वच्छ जल वो अपने साथ रखें और उसकी उसका इस्तेमाल करें। चेस्ट में टाइटनेस हो या कोई दिक्कत हो तो आपने अपने डॉक्टर की के पास जाना ही जाना है। और ओवरऑल अगर पिछले कई सालों से हमें देखना कि भी डेफिनेटली देर इज़ ए इम्प्रूवमेंट, कि जो हुल्लड़बाजी पहले होती थी, जो लोग नशे में सड़कों पे घूमते थे, वो अब कम हो गए। अब जो गुब्बारे लोग मारते थे, गुब्बारों की अपनी समस्या होती थी, आप स्कूटर पे स्कूटी पे जा रहे हैं, पीछे से गुब्बारा मारा, एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता था, चोट लगने का खतरा हो सकता था। कई बार हमारे पास लोग आते हैं जिनके पास गुब्बारा फटा और कान का पर्दा तक फट गया, आँख के ऊपर लगेगा, आँख को नुकसान हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन सबको हमें बचाव करना है। इवन जो पिचकारी का पानी भी होता है या रंग होता है, वो भी आपको किसी ना किसी प्रकार से जटिल कर सकता है, इससे आपको चोट लग सकती है। तो हिदायत ये रहेगी कि जो फूलों के रंग हैं, जब पत्तों के रंग हैं, जब वेजिटेबल वाले जो ड्राइड रंग हैं, उनसे आप होली खेलें। और जो नारियल का पानी, मैंने बात कही, नारियल का पानी या कुछ मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। सन ग्लासेस आप लगा कर जाएंगे तो आपकी आंखों का बचाव होगा। और अपना कुछ लोग सिर के ऊपर स्काफ या एक कपड़ा सा भी बांध के निकलते हैं, उनसे भी इसके अंदर फ़ायदा रहेगा, आपको नुकसान की उम्मीद कम है। और अपने होली खेलने के बाद भी अपने बालों को और बॉडी को थॉरली क्लीन करें वाटर और साबुन के साथ, ताकि कोई भी केमिकल आपकी स्किन पे लगा ना रह जाए और किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे स्किन की हो या आपकी आँखों की हो, आपको फेफड़ों की हो, दमा की हो, दिक्कत हो सांस में, तो मुझे लगता है कि आपको आपके डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाकर उसका चेकअप करना चाहिए, क्योंकि इट कैन बी ए कॉम्प्लिकेशन। ये इसकी वजह से कई लोगों के अंदर हमने ऐसे कई प्रकार के दुष्प्रभाव भी देखे हैं। तो आओ हम सब लोग होली को एक अच्छे त्यौहार के लिए, लोगों से दोस्ती मित्रता बढ़ाने के लिए करें, ना कि एक दूसरे को बीमार करने के लिए करें। और आज जब मैं आपसे बात करता हूँ तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ कि होली का त्यौहार हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक एक प्रतिष्ठा का त्यौहार है, इसको हम सबको पॉजिटिविटी के साथ मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।